और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत हौसला अफजाई की। अब मैं चाहूँगा थोड़ी सी करना चाहेंगे इस कॉलेज में रहने, इस इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स हैं, हमारा बड़ा प्यार है उनसे, बड़ा ताल्लुक है, उनके हवाले से एक छोटी सी चीज पेश करना चाहेंगे। टीचरां दे दिन फिर गए, ओ टीचरां दे दिन फिर गए जी, ओ टीचरां दे दिन फिर गए जिस दिन तो बदियां तनखावां, ओ टीचरां दे दिन फिर गए जिस दिन तो बदियां तनखावां, कुड़िया नू ए कुछ ना कहंदे मुंडिया ते पै गुस्से लावण, कुड़िया नू ए कुछ नहीं कहंदे मुंडिया ते पै गुस्से लावण, ए गल्ला यारों चंगिया चंगिया नहीं बाजी थान लपटे दी खाने, गल्ला यारो चंगिया नहीं तोड़ी खाने लपटे लिखावा, गल्ला यारो साहब साहब ते अल्लाह माफी, साहब साहब ते अल्लाह माफी माफी माफी। अच्छा कैसी बात है साहब साहब, मुझे आंखों से कह रहे कि ना कर यार, साहब साहब ते अल्लाह माफी तरस जरा नहीं कर दे, एक गलती जे हो जावे ते कन्ना उत्ते तर दे, एक गलती जे हो जावे ते कन्ना उत्ते तर दे, कदी ना जे सवाल पूछन, ओ कदी ना सवाल पूछन, खुश हो के घर नू बात के कुड़ियां दा हो रहा है ते मुंडियां दी भी होनी चाहिए थी, या कुड़ियां दी भी होनी चाहिए थी, उस हवाले से थोड़ा सा मैं भी अपेश करता हूं। ऐ हुण ऐ समझणा कि उन्होंने तोड़ी कीती ता सी एना ली यक्षा, एक एक दूसरे के हिसाब से। अच्छा एक छोटा सा वाक्य है, उसके अंदर ये चीज हम आइटम पेश करेंगे। नजोरी खान साहब जी बिस्मिल्लाह। एक दिन मैं रोड पे जा रहा, मैंने देखा कि एक तरफ औरतों का जुलूस जा रहा है, एक तरफ लड़कों का, एक तरफ लड़कियों का। अच्छा लड़कियां नारे लगा रही, मर्द मुर्दाबाद, मर्द मुर्दाबाद, मर्द मुर्दाबाद। अच्छा जी लड़के कह रहे हैं कि औरत मुर्दाबाद, औरत मुर्दाबाद, औरत मुर्दाबाद। जब हमने मैं औरतों के पास, लड़कियों के पास गया, मैंने कहा ये क्या कर रही है आप, इस तरह जुलूस निकाला है, लड़कों के खिलाफ नारे क्यों लगा रही है। लड़कियों ने कहा भाई ये हमारी बात नहीं मानते, ये गलत हरकतें करते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं हमारे साथ, इनका सलूक अच्छा नहीं है। अच्छा मैं मर्दों के पास गया, मैंने कहा लड़कों पे क्या मसला है, तुम क्यों उनके खिलाफ हो। लड़कों ने आगे हमें फिर ये कहा जो बात उन्होंने कही वो पेश करें आपके सामने। उन लड़कों में सिर्फ लड़के नहीं मर्द भी थे, शादीशुदा लोग थे, यानी कि सबकी बात कर रहे हैं। मर्दों ने ये कहा जिसका तू उनके दिल में शक का अड्डा होता है, जिसका तू उनके दिल में शक का अड्डा होता है, जिसका तू उनके दिल में शक का अड्डा होता है, जिसका तू उनके दिल में शक का अड्डा होता है, जिसका तू उनके दिल में शक का अड्डा होता है, उसका शौहर से रोजाना फटा होता है, उसका शौहर से फटा फटा होता है, उसका शौहर से रोजाना फटा होता है। मर्दों की बात सुनी, मैं औरतों के पास गया, मैंने कहा आपके शौहर जिस तरह आपको रखते हैं, यानी कि जिस तरह कहते हैं इस तरह जिंदगी गुजारे, उनके बात क्यों नहीं मांगते। तो औरतों का जवाब आया इतना सोच ले नहीं।
आपका जो रास्ता है उसमें खड्डे बहुत हैं। तो मर्दों ने आगे से कहा इनसे कोई उम्मीद ना रखना। मैंने कहा वो क्यों? मर्दों ने कहा ऐसी नस्लें नौ से कुछ उम्मीदें मत रखना। ऐसी नस्लें नौ से कुछ उम्मीदें मत रखना। मैंने कहा कैसी कैसी नस्लें नौ से? उन्होंने कहा ऐसी नस्लें नौ से कुछ उम्मीदें मत रखना। ऐसी नस्लें नौ से कुछ उम्मीदें मत रखना जिसकी एक चीजी का ना गुणवत्ता होता है। मैं वापस मर्दों के जुलूस में जब आया तो देखा एक लड़का तुम्हारे जैसा हैंडसम सा वो साइड में बैठा रो रहा। आया शर्मा गया बेचारा साइड में बैठा रो रहा। मैंने कहा भाई सारे नारे लगा रहे हैं तुम रो रहे हो। मैंने कहा मसला क्या है? आगे से मुझे जनाब ने फरमाया उसका अब्बा रिश्ता देने से इनकारी है। खिड़की से मुंह कट्टा होता है उसने खिड़की से मुंह कट्टा होता है। अच्छा बाबा इनके साथ वो भाई जो पीछे खड़े हैं माशाल्लाह ये आप ही आप पीछे ना देखें आप। हाँ हाँ बिल्कुल माशाल्लाह सलामत रहे। ये भी भाई रोई जा रहे हैं। मैंने कहा भाई आप आपको क्या मसला होगा? तो इन्होंने कहा वो इत्तफाक से 14 फरवरी थी उस दिन समझ तो गए होंगे। अच्छा तो ये मैंने कहा भाई आपको क्या मसला? इन्होंने आगे से कहा उसको गिफ्ट भी देना कितना मुश्किल है। उसको लिफ्ट भी देना कितना मुश्किल है। उसको गिफ्ट भी देना कितना मुश्किल है। क्यों? उसके बाप ने कुत्ता बाहर छिटा होता है।